हम ये जानना चाहते हैं कि अंकित सक्सेना के माँ बाप को और उनकी जो दोस्त थी उनको किस तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करी गई है, सुरक्षा मुहैया कराई भी गई है या नहीं, क्योंकि बहुत जरूरत है कि उनको सुरक्षा दी जाए और उनका बिल्कुल देखभाल करी जानी चाहिए, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है, जो अंकित के साथ हुआ है, इससे ज्यादा अमानवीय घटना हो नहीं सकती और बहुत जितनी निंदा उसकी की जाए उस इंसिडेंट की उतनी कम है। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से उनके परिवार को और उस उनकी दोस्त को सुरक्षा मुहैया कराए। साथ ही हमने ये भी मांगा है कि अंकित के केस में क्या स्टेटस है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा, बल्कि मैं तो कहूंगी फांसी की सजा उसके कातिलों को होनी चाहिए। जो पीड़ित पक्ष है उसका डिमांड भी यही है कि जितने लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। जी मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं अंकित के पिताजी को बिल्कुल सलाम करना चाहूंगी, क्योंकि कल मैं उनकी बातें सुन रही थी और मुझे ये पता चला कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो किसी से नफरत नहीं करते, वो कोई भी सांप्रदायिक गंदी राजनीति का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते, बस वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके इकलौते बेटे के कातिलों को फांसी की सजा हो। तो क्यों ना हो, सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा उनको होनी चाहिए। जो लड़की है, जिस लड़की से बताया जाता है अंकित का लव अफेयर था, आपने मुलाकात की है या आगे मिलने का कोई प्रोग्राम है? क्या उस लड़की को तो उसके परिवार के माध्यम से ही डराया धमकाया नहीं जा रहा है? जी मैंने पूरी कोशिश करी उनकी उस लड़की से मिलने की, तो मैं अभी तक मिल नहीं पाई हूँ। मुझे लगता है कि कोई सुरक्षित जगह पे ही वो है और मैं भी नहीं चाहती कि उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई खलल आए, लेकिन अगर वो मेरे से मिलना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल हूँ। बहुत चिंतित हूँ उनकी सुरक्षा को लेकर और इसीलिए मैंने आज नोटिस इशू कराया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस जो बेस्ट सुरक्षा उनको प्रोवाइड करी जा सकती है वो प्रोवाइड करे।